तो इस समय नहा धो लिया है मैंने, और ना अभी मैं छत में आई हूँ अपनी, मतलब दूसरी छत में आई हूँ, और यहाँ का मौसम ऐसा हो रहा है, अभी भी कोहरा लगा ही हुआ है। तो नींबू खा लिया, अभी हम लोग ना छत में ही है यहाँ पर, ये भी अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी उत्तराखंडी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, यहाँ हम सब भी अच्छे हैं। सुबह का टाइम हो गया है और बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, बच्चे खेल रहे हैं बाहर, अब हम लोग कर लेते हैं नाश्ता। भैया कर रहा है पूजा, और ना आज मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है आज भाई का, तो वो कर रहा है पूजा, इसके बाद हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं। तो हल्की सी धूप आ रही है अब, और वहाँ लगा हुआ है पूरा कोहरा, इधर को कोहरा लगा हुआ है पर इधर से धूप भी आ रही है। यहाँ पर बन गए आलू के पराठे, मैं फिलहाल तो अभी एक ही लाई हूँ, फिर खाऊंगी। चटनी भी है पर मैंने चटनी नहीं ली, देखती हूँ पहले ऐसे खाती हूँ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बॉय को। तो इस समय नहा धो लिया है मैंने, और ना अभी मैं छत में आई हूँ अपनी, मतलब दूसरी छत में आई हूँ, और यहाँ का मौसम ऐसा हो रहा है, अभी भी कोहरा लगा ही हुआ है, और बच्चे ना ट्यूशन जा रहे हैं, भाई का बेटा और मेरा बेटा दोनों ट्यूशन जा रहे हैं, दिख रहे ये जा रहे, बाय। हाँ यू भी हाथ पकड़ के चलो, जा रहे, ऐसा मौसम तो नहा धो के थोड़े कपड़े तो मैंने धो दिए हैं, और आधे मम्मी धो रही, मशीन लगा रखी है। और सुबह सुबह आलू के पराठे बने थे, भाभी ने नवल्ला के फेवरेट आलू के पराठे बनाए थे, क्योंकि ना उसका आज जन्मदिन है, इसलिए। इस समय आई हूँ मैं छत में, और ना यहाँ धूप आने लग गई, इस समय आ रही, मतलब 12 बज रहा है दिन का, 12 बजे धूप आ रही है यहाँ, सुबह से ना कोहरा लगा हुआ था। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का प्यारा सा सुंदर सा व्यू। मम्मी ने बना दिया मट्ठा, मट्ठा बन चुकी है, मक्खन निकालोगे अब? मशीन से बना रखी है, पहले से हाथ से बनाते थे, हमारी शादी से पहले मम्मी हाथ से मट्ठा बनाती थी, हमारी शादी के बाद लाए हैं मशीन मट्ठा बनाने वाली। हमारे नींबू सारने की तैयारी में लगे, नींबू मंगा रखे और संतरे भी हैं, तो नींबू और संतरे सारूंगा। बच्चे ना ऊपर चले गए हैं, उनको देखने के लिए जा रही हूँ, गिरेंगे गई छत। यू भी बोल रहा है चप्पलों की पार्किंग यहाँ है। यहाँ पर आ गया सामान, नींबू अभी नमक भी पीस के आ रहा है, सब आ गए हैं यहाँ पर नींबू सानने के लिए। बच्चे हम लोग, भाभी, मैं, बच्चे, मम्मी भी आ रही है, मम्मी अपने लिए पूरा इंतजाम करके आ गई, मतलब की कुर्सी लेके आ गई, नवलदा और पापा नीचे ही हैं।
बर्थडे बॉय के बर्थडे में हमने नींबू छान के खा लिया है। कैसा लगा? खट्टा और मीठा। इसको स्वास वाई और की मिर्ची लग गई। तो नींबू खा लिया। अभी हम लोग ना छत में ही है। यहाँ पर ये व्यू अच्छा लगता है ना। यहाँ पे घूम रहे क्या? कहाँ है लाई का पेड़ दिखाओ। तो मेरे को ना भाभी ने अभी यहाँ पे लाई का पेड़ दिखा रखा है। मैं दिखाती हूँ आपको लाई का पेड़ दिखाती हूँ। ये देखना है, जूम करके दिखाती हूँ। ये इतना बड़ा लाई का पेड़, मतलब हमारे परिवार के लिए तो एक सब्जी हो ही जाएगी इससे। फूल टाइगर भी घूम रहा है। वहां से मामी बातें कर रही है, यहाँ से हम लोग कर रहे हैं बातें। आराम से सोइए। पापा भी आ गए। बच्चे खुश जाते हैं। घूमने गए थे बरसिम के खेत में। किसी के चाय कम तो नहीं हो रही? घूमने जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। चुपचाप जाएंगे तो आज चले गया। आज मैं हूँ तब नहीं गया। थोड़ी पीता है। घर में कहाँ गया? बहन बहन अब पूरी कम कर देगी। सब देख रहे, सब लाई के पत्ते देख रहे। भट चाचा आ गए यहाँ ट्रैक्टर खेत जोतने के लिए आ गए हैं। ट्रैक्टर आ गया खेत जोतने के लिए। पापा गए हैं खेत में। यहाँ खेत की जुताई होने लग गई ट्रैक्टर से। इसमें गन्ना लगाया था, गन्ना काट कूट के गन्ना पहुंचा दिया गन्ना सेंटर। अब यहाँ गन्ने के पत्ते जला के यू भी देख रहा है ट्रैक्टर। बर्थडे की तैयारी यहाँ पर होने लग गई। बर्थडे की तैयारी, खाना बनाना। ये भाभी ने बना रखा है पनीर, घर का पनीर की भुजिया बना रही, मटर पनीर।
पनीर बना ले आती, मटर बॉईल कर ली थी, हमने मना कर रखा, हमने बोला पनीर की भुजिया बनाओ। ओहो बर्बाद कर दिया पनीर का। बर्थडे बॉय पेस्ट्री ले आए हैं, केक केक नहीं काटे क्योंकि कल बर्थडे बॉय के बेटे का भी बर्थडे है दिव्यांश का, तो कल केक काटेंगे, आज खाली पेस्ट्री लाए हैं, पेस्ट्री बांट रहे। तो यहाँ पे बच्चे खाना खाने लग गए हैं, पापा पूरी मना कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पे खाना खाने लग गए हैं, बच्चों के लिए बनी है आज बर्थडे में पूरी और पनीर की भुजिया। तो हम लोगों ने खाना खा लिया है, आज मेरे भाई का, छोटे भाई का बर्थडे था तो हमने सिंपल सा बर्थडे बनाया क्योंकि कल उसके बड़े बेटे का बर्थडे, मेरे भाई के बड़े बेटे का बर्थडे है कल। तो चलिए आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू एंड बाय।